संबल पुलिस ने पकड़ी नकली दूध बनाने की फैक्ट्री। भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान हुआ बरामद। शहर से खिलवाड़ करने वालों पर चला पुलिस का चाबुक। पुलिस अधीक्षक ने किया पूरे मामले का खुलासा। संबल थाना भेजे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी टीम के साथ ग्राम जेरोई हयातनगर में गेंदन लाल की डेयरी पर छापा मारकर सिंथेटिक दूध बनाते हुए एक अभियुक्त सचिन पुत्र गेंदन लाल को गिरफ्तार किया, जबकि उसका पिता गेंदन लाल पुत्र बदन सिंह निवासी जेरोई हयातनगर थाना भेजोई मौका देखकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से दूध सप्लाई करने वाली बेलोरो पिकअप व 1000 लीटर का टैंक, 120 लीटर बना हुआ सिंथेटिक दूध, 15 लीटर वाले पाम ऑयल की टीन, डिटर्जेंट पाउडर, यूरिया, दो मिक्सर, बड़ी मशीनें व इलेक्ट्रॉनिक कांटे सहित बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए। इस पूरे मामले का खुलासा जनपद के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने अपने कार्यालय पर करते हुए बताया कि जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल थानाध्यक्ष भजोई को सूचना मिली थी कि ग्राम जयरई में कुछ लोग सिंथेटिक दूध बना रहे हैं और उसको बना करके लगातार सप्लाई क्षेत्र में सप्लाई करते हैं। इसी क्रम में वहाँ दबिश दी गई और वहाँ से भारी मात्रा में सिंथेटिक दूध बनाने का सामान, जिसमें यूरिया और ग्लूकोज, रिफाइंड आयल, डालडा, वॉशिंग पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर, ये सारी चीज़ें वहाँ मिली। उसके साथ 120 लीटर बना हुआ सिंथेटिक दूध और 40-40 लीटर के तीन कैन, पाम ऑयल, केमिकल ऑयल और घी जैसा तरल पदार्थ, इसमें इसकी जो डेंसिटी चेक करने का एक पिपेट होता है वो भी मिला है, जिससे ये लोग फैट जो दूध में होता है उसकी डेंसिटी को बना देते थे और इक्वल उसके कर देते थे, उसका जो वैल्यू होता था इक्वल दूध के, जो रेगुलर दूध है उसके बराबर ये सिंथेटिक दूध को कर देते थे और उसके बाद उसको मार्केट में सप्लाई करते थे, लोकल वेंडर्स पे सप्लाई करते थे, चाय की दुकानों पे सप्लाई करते थे और विभिन्न प्लांटों में भी सप्लाई कर रहे थे। इस तरीके से लगातार ये लोग सिंथेटिक दूध बना करके मार्केट में सप्लाई करते थे, जिससे जीवन की हानि होती थी, उसमें केमिकल पदार्थ की वजह से उसका लगातार नुकसान हो रहा था। अभी एक व्यक्ति इसमें सचिन गिरफ्तार हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति गेंदा लाल जो है वो मौके से फरार हो गया था और अभी उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। इसमें और भी लोग और जहाँ जहाँ सप्लाई में लोग शामिल थे और कहाँ कहाँ सप्लाई हो रहा था उनके भी चिन्हित किया जा रहा है। मैनुअल इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद से उन सभी को ट्रैक किया जा रहा है, जो भी इसमें संलिप्त है उन सभी के खिलाफ बहुत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। हमारी तरफ से 15,000 रुपये टीम को इनाम के रूप में दिया जाएगा।